कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैंने भी एक ऐसी गलती की थी जिसे वो शायद कभी माफ नहीं करेगा। मैंने ना जाने क्या क्या नहीं कहा था उसे, लेकिन वो हम सबसे इतना दूर चला गया कि कभी वापस लौट कर ही नहीं आया। क्यों, कैसा लगा? क्या अंडरवियर और क्या? अबे इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या है? अबे कामया ने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है। देख, देखना देखना कितना सेक्सी है। यार सच में तू और तेरी गर्लफ्रेंड दोनों एंटीक पीस है। डेट पे जा रहा है ना तू? हाँ। अबे नहाएगा क्या इसमें? नहाऊंगा तो आज मैं उसमें। यार पूरे एक महीने बाद मिल रहे हैं हम लोग, पता नहीं आज क्या हो जाएगा। अब कौन आ गया? रुक मैं देखता हूँ, जा जाके कपड़े पहन ले, पता लगा तेरे से कोई मिलने आया हो। अर्जुन भैया है? आप कौन? कौन आया भाई? अर्जुन भैया। शाश्वत तू कैसा है यूं अचानक से? तूने तुम्हें सरप्राइज ही कर दिया। तू अकेला आया है? और कोई नहीं आया? नहीं मैं अकेला ही आया। अरे खड़ा क्यों है? आजा बैठ, बैठना। और बता, तुझे मेरा एड्रेस कहाँ से मिल गया? वो उषा दीदी ने दिया था। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। रुको, पानी मैं लेकर आता हूँ। और बता, सब ठीक तो है ना? तू मुझे इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? वो मैं आपको बताना चाहता था कि मैं पानी। थैंक यू। मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बना देता हूँ। कोई बात नहीं, कॉफी मैं बना लूंगा। तू यहाँ बैठ, आराम से पढ़, हम बेडरूम बात कर लेते हैं। ओके आजा, चल बेडरूम में चलते हैं। आजा आ बैठ। हाँ बता, क्या बात है भैया? दरवाजा। भैया अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा इंटरेस्ट लड़कों में है एंड आई एम गे, तो क्या आप मेरे साथ अजीब सा बिहेव करोगे? अफकोर्स नहीं करोगे, क्योंकि आप सेम जनरेशन के हो। आप वैसा नहीं सोचोगे जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में सोचते हैं, राइट? है ना? तू सीरियस तो है ना जो तू कह रहा है? हाँ भैया, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, आपको तो पता ही है मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पापा मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अब आप ही बताओ कि मैं और क्या करता, कब तक झूठ बोलता मैं अपने आप से? मैंने कोशिश की थी गर्लफ्रेंड बनाने की, मुझे लगा था कि मेरी वैसी रिलेशनशिप होगी जैसी शायद आपकी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ है, लेकिन नहीं हो पाया। मैं खुश ही नहीं था। तो उन्हें पता है कि तू यहां मेरे पास आया हुआ है? नहीं, और प्लीज आप उन्हें बताना भी मत। शाश्वत, लेकिन वो तेरे लिए परेशान हो रहे होंगे यार। परेशान? और मैं परेशान हो रहा हूँ उसका क्या? आपको पता है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वो मेरा इलाज कराना चाहते हैं, मुझे डॉक्टर के पास दिखाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दिमागी तौर से पागल हूं। मुझे अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे आप ही लगते हो, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। मैंने ठीक किया ना भैया? भैया हाँ हाँ, लेकिन बुआ फूफा जी को यह बताना पड़ेगा ना कि तुम यहां मेरे पास हो। रुको मैं उन्हें कॉल करके बता देता हूँ। नहीं भैया प्लीज उन्हें मत बताओ। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। भैया हेलो,
हाँ बुआ जी नमस्ते। हाँ बेटा अर्जुन बोलो। जी वो शाश्वत आया हुआ था मेरे पास। पागल हो गया है वो, पता नहीं कैसी अजीब अजीब हरकतें करने लगा और घर छोड़ के चल दिया, और हम यहाँ उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। तू उससे एक बार मेरी बात करा दे बेटा। जी अभी तो वो आपसे बात नहीं करेगा, मैं कल सुबह आपकी बात कराता हूँ ना उससे। उसे शायद सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा, तो उसे कुछ खिला देना और उसका ध्यान रखना बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जी रखता हूँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तू थक गया होगा, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो ले, मैं तब तक तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। भैया थैंक यू सो मच। तू फ्रेश हो ले, वॉशरूम वहां है। अच्छा साहिल सुन, मैं निकलता हूँ, काम्या वेट कर रही होगी, और कुछ खिला देना उसे, या तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर देना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। भाई साहब को बीमारी लग गई है, वही जो कॉलेज में कुछ लड़कों को थी, और तो और मेरे ऑफिस में कुछ लोगों को भी है। मतलब आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, गे बन गए हैं भाई साहब। गे बन गए? तुझे गे नहीं पता क्या होता है? इनका इंटरेस्ट बेसिकली लड़कों में होता है, ये लड़के पसंद करते हैं यार, समझ रहा है ना तू? इसका मतलब इसका इंटरेस्ट तेरे में भी हो सकता है, तू बच के रहियो इससे। यार कैसी बातें कर रहा है तू? सही तो कह रहा हूं, अगर किसी दिन इसने मौका देकर चौका मार दिया ना, तो फिर मुझ पे ब्लेम मत करियो, समझा? और तो और ये यहाँ रहने के लिए भी कह रहा था, लेकिन ना 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 ना, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं रखूंगा यहाँ पर। यार एक ही बेडरूम है, और तेरे मेरे फ्रेंड्स भी तो आते रहते हैं यहाँ पे, किसी दिन इसने किसी के साथ गुच्ची पाला कर दिया ना, तो बेवजह हमारी बदनामी हो जाएगी। यार तू अपने कजिन के लिए कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? तुझे बड़ा प्यार आ रहा है उसके ऊपर, कहीं दिल तो नहीं आ गया उसके ऊपर? हाँ पागल है क्या? चल मैं रेडी होके आता हूँ, काम में वेट कर रही होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, और सुन ध्यान रखियो। पागल है बिल्कुल। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो बता कर जाओ, अगर अर्जुन पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो कुछ नहीं पूछेंगे, वो यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। नहीं ऐसा तो नहीं है, जब आप और अर्जुन भैया बातें कर रहे थे तो मैंने सारी बातें सुन ली थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे बारे में ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। देखो इंसान की अपनी अपनी सोच है। तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते? नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोचता। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई एम लीविंग। सुनो इतनी रात को तुम्हें ना कोई कैब और ना कोई ऑटो मिलेगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और इतनी रात को तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक भी नहीं है, तो ऐसा करो सुबह चले जाना। बाय द वे मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, पियोगे? तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा मजाक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच पूछ रहा हूँ। नहीं है। क्यों? आई मीन तुम्हारी तो एज हो गई बॉयफ्रेंड बनाने की। अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम मजाक ही कर रहे हो। यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि मैं मजाक कर रहा हूँ? क्योंकि तुम उस टॉपिक पर बात कर रहे हो जिसपे तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है। किसने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं है?
मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। हो ही नहीं सकता, जैसे अर्जुन भैया मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, वैसे ही तुम भी कभी नहीं समझ पाओगे। तो समझाओ ना, मैं समझ जाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि बॉयज में इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हें ही है, या तुम कोई अनोखे हो? तुम्हें तो बड़ी हिम्मत है कि तुमने अपने पेरेंट्स को अपने बारे में सब बता दिया, लेकिन उस इंसान का क्या जिसमें यह एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं है कि उसको बॉयज में इंटरेस्ट है या गर्ल्स में। आर यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ? यस। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब बातें मैं आज तक किसी से नहीं कह पाया, क्योंकि कोई था ही नहीं। और ये सब बातें मैं पहली बार तुमसे कह रहा हूं, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। इंतजार बहुत सालों से था कि कोई तो होगा जिसे मैं इस तरह से गले लगा सकूं। कहीं ये मजाक तो नहीं है ना? मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं। क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं? शाश्वत, ये क्या कर रहा था तू? हाँ, क्या कर रहा है तू भैया? अब जैसे ये क्या कर रहा है भैया? ऐसा तूने ऐसा सोचा भी कैसे? तू मेरे ही दोस्त के साथ, हाँ, तू मेरे ही दोस्त के साथ। देख क्या किया इसने तेरे साथ। शराब पिला दी होगी तूने इसे, और फिर नशे में मना ली होगी तूने इसके साथ रंगलियां, है ना? ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? यार ये तेरे ऊपर चढ़ के तुझे किस कर रहा था, और ये बात तुझे बकवास लग रही है? हाँ, क्योंकि जो भी ये कर रहा था ना, अकेले नहीं कर रहा था, मैं भी इसके साथ शामिल था। ये हम दोनों की रजामंदी से हुआ है, ये कोई पाप नहीं है। यार तू होश में तो है? तू क्या कह रहा है साहिल? हाँ मैं होश में हूँ,
मैं कल भी होश में था और आज भी होश में हूँ। क्या गलती है इसकी अगर इसके दिल में लड़कों के लिए फीलिंग्स है? जैसे तेरे अंदर लड़कियों के लिए फीलिंग्स है, ऐसे ही इसके अंदर लड़कों के लिए फीलिंग्स है। फंसा लिया ना तूने इसे? फंसा लिया ना? किसी ने नहीं फंसाया है। हाँ, मैं हमेशा के लिए फंस जाता अगर इससे ना मिलता। कितनी हिम्मत है इसमें, इसने तेरे अंकल आंटी को अपने बारे में सब बता दिया। और एक मैं हूं जो मैं अपने माँ बाबू जी को क्या, तुझे तक ना बता पाया कि मैं कौन हूं। हाँ, मेरे अंदर भी वही फीलिंग्स है जो इसके अंदर है। यार तू आज की जनरेशन का लड़का है, तू इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहा कि प्यार के बीच में जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता। और हाँ, अगर इस दुनिया में कुछ गलत है तो वो है चोरी करना, किसी को धोखा देना, नशे में अपना घर लुटवा देना। लेकिन प्यार करना कभी गलत नहीं होता। अगर तुझे लगता है ये गलत है तो मैं चाह रहा हूं शाश्वत के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर चलो यहां से। हाँ, मैं गलत था क्योंकि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त और प्यारे भाई को खो दिया था। मैं उस वक्त ये समझ ही नहीं पाया था कि प्यार की कोई उम्र, प्यार का कोई रंग, प्यार का कोई मजहब और प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। प्यार तो कोई किसी से कभी भी कहीं भी कर सकता है। काश उस दिन मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज वो दोनों मेरे साथ मेरे पास होते। बस एक ही बात की राहत है मुझे कि बेशक वो दोनों मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ तो हैं।